नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पेपर थ्री का वीडियो। मैथ्स बेसिक में पेपर थ्री सेक्शन ए आज हम सॉल्व करेंगे। पेपर टू के वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं उसके अंदर, एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी अपलोड होते जा रहे हैं। आप मीनवाइल अपनी स्टडी करते जाइए अच्छे से। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करके हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, जहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे और सीखेंगे। तो सेक्शन ए आपको पता है कि ये होता है 24 मार्क का बेसिक वालों के लिए और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द HCF ऑफ 32 एंड 81 इज़ 1, ठीक है। तो 32 और 81 का HCF जो है वो 1 है, बताओ। ठीक है, बता देते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अब आपको कहा गया है यहाँ पर 32 और 81, ओके। सो 32 के पहले फैक्टर्स निकाल दें तो आपको पता होगा दैट इज़ 2 raised to 5, है ना। 2 into 2 into 2, आप 32 के फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं कि 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 2 1 1 2 3 4 5, क्लियर। और 81 जो है वो क्या होता है, 3 raised to 4। अब हमें पता है HCF मतलब क्या होता है बेटा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या हो गया, 1। तो इसके लिए इसका आंसर क्या है, ट्रू। ओके, सो ट्रू इज द आंसर, क्लियर बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज़ 2 real zeros, ठीक है। तो 2 उसके रियल ज़ीरोज़ हैं, ओके। नाउ आपके पास इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके। सो अब देखो बेटा, अगर मैं बहुत लॉजिकली बात करूँ ना, तो क्या होता है ना बच्चों कि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर x के ऊपर होता है उतने ज़ीरोस निकलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से मैंने बता दिया, जितना मैक्सिमम पावर x के ऊपर होगा उतने ज़ीरोस निकलेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो बट ऑब्वियसली 2 ज़ीरोस निकलेंगे। तो इसको देखकर भी आप आंसर ट्रू लिख सकते हैं, ओके। अगर सॉल्व करना है तो हम लोग सॉल्व करके दिखा सकते हैं। हम लोग ज़ीरोस पूछा है तो इसके लिए पी ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। x कॉमन निकाल दिया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों की तरफ 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे तो ये x इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू आ गया, और ये हो गया x इक्वल्स टू -1, ओके। तो ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, जितना पावर होता है x की उतनी वैल्यूज़ निकलती है। पावर 2 है, इसके लिए x की 2 वैल्यूज़ निकली, तो आंसर इज़ ट्रू, क्लियर बच्चों। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है फॉर अ गिवन ए पी एस एन इक्वल्स टू 3n² + 5n, इफ ए के इक्वल्स टू 164 देन द वैल्यू ऑफ k इज 72। बता दो भाई ये सही है कि गलत है, ओके। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना बच्चों अच्छे से क्या है क्वेश्चन है कि एस एन जो है उसका इक्वेशन दिया हुआ है 3n² + 5n, ए के की वैल्यू दी हुई है 164, आपको ये बताना है कि k जो है वो 72 है, ठीक है। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में रखना होगा, और वो फॉर्मूला ये है दैट Sn - Sn-1 इक्वल्स टू An वाली फॉर्मूला दिमाग में रख दो, ठीक है। वेल अब इसमें क्या है, Sn यहाँ पे हमें k बोला है ना, तो मैं n को k के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। सो Sk - Sk-1 इक्वल्स टू ए के, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने n को k के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब देखो बच्चों, Sn की फॉर्मूला क्या दी हुई है, 3n² + 5n, तो मैं Sk की जगह क्या लिख दूँ, 3n की जगह क्या, k, 3k² + 5k, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। माइनस यहाँ पे Sk-1 है, मतलब कि जहाँ पर भी n है वहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा बच्चा, k-1 लिखना होगा। सो 3n की, ये n स्क्वायर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, k-1, है ना, बड़े ध्यान से देखना है इस सम को, होल स्क्वायर प्लस 5, n है क्या लिखना है, k-1, एक k की वैल्यू कितनी है 164, तो इक्वल्स टू में 164, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया ताकि मिस्टेक ना हो साइन की, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना। चलो आगे सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। नाउ 3k²
प्लस 5k माइनस 3। अभी क्या है बच्चों, k माइनस 1 होल स्क्वायर, k माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका मतलब कि फॉर्मूला लगेगी यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे k माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब कि a की जगह पे k लगा दोगे और b की जगह पे 1 लगा दोगे। ओके चलो लिखती जा रही हूँ मैं, ध्यान देते जाओ। सो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2k, बी की जगह तो 1 आ गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर तो सिंपली 1। ठीक है बच्चों, प्लस 5k माइनस 1 तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × k दैट इज़ 5k। ओके अब 5 × 1 दैट इज़ माइनस 5 इक्वल्स टू 164। ठीक है बच्चों, चलो 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × k स्क्वायर दैट इज़ 3k स्क्वायर माइनस 3 × 2 = 6k प्लस 3 × 1 = 3। क्लियर हुआ, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, बच्चे स्टार्टिंग में कर लेते फिर बाकी दोनों टर्म्स भूल जाते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें ज़रा सी भी। प्लस 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 164। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सो 3k स्क्वायर प्लस 5k, मैं ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, साइन चेंज कर लेती हूँ, अभी माइनस है तो माइनस 3k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6k माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 5। ओके मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी और डीप में समझाऊँ, ताकि जिस बच्चे को कुछ भी तकलीफ हुई हो कैलकुलेशन में तो वो ना हो। चलिए तो 3k स्क्वायर और माइनस 3k स्क्वायर कट हो गया, 5k और माइनस 5k कैंसिल आउट हो गया। ओके क्या बचा हमारे पास, 6k आ गया। ओके माइनस 3 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, ओके तो 5 में से 3 गए 2, 5 ग्रेटर नंबर है, उसकी साइन प्लस की है तो इसके प्लस लगा दिया, इक्वल्स टू 164। सो नाउ 6k इक्वल्स टू 164 माइनस 2, सो देयरफोर 6k इक्वल्स टू 162, सो देयरफोर k इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 6। ठीक है तो क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 6 × 2 = 12, 12 4 आ गया, कितना आया 27, आंसर हमें मिला है 27। और ये जनाब हमको कह रहे हैं, ये जनाब हमें कह रहे हैं 72 होना चाहिए, तो नहीं, आंसर क्या हो गया फिर, फॉल्स, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 27। ठीक है तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है बच्चों, ओके ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। ओके तो दैट इज़ 1/4 माइनस 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या है 0, इन्होंने क्या लिखा है 1, तो आंसर क्या हुआ अपना, फॉल्स। ओके फिफ्थ नंबर, कॉस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। ओके सो कॉस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री देखा जाए तो कॉस 90 हुआ, कॉस 90 वैल्यू 0 होती पता है, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू। ठीक है बच्चों, आसान सा है ना। ओके नाउ सिक्स्थ, मीडियन इज इक्वल टू 3 × mod माइनस 2 × mean। अब इसका एक्चुअली आंसर फॉल्स ही है, ठीक है ये फॉर्मूला सही नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दी हुई है, जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है मोड मतलब जेड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है और ये लर्न भी कर लेना, कई बार सम्स में पूछी जाती है। सो बच्चों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए ट्रू फॉल्स, अब स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का सेवन्थ नंबर क्या है, इफ़ एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 65m माइनस 117, तो m की वैल्यू क्या है।
तो आपको बेसिकली HCF किसका निकालना है, 65 और 117 का। तो पहले हम HCF तो निकाल देते हैं, फिर देखते हैं रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो HCF ऑफ 65 एंड 117, तो देखो बच्चों 65 के फैक्टर्स होते हैं 13 × 5 3, हाँ ठीक है 13 × 5 दैट इज 65, और 117 के फैक्टर्स होते हैं 13 × 3 × 3। ओके तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 जो है वो दोनों में कॉमन आ गया, तो HCF क्या है बेटा, 13 HCF आया। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ अब हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रिलेशन HCF इज 65 m − 117। ठीक है, सो HCF इज इक्वल्स टू 65 m − 117। HCF कितना आया, 13 आया, अप्लाई कर लो, 13 इज इक्वल्स टू 65 m − 117। 117 को यहाँ पे ले लो, 13 + 117 इक्वल्स टू 65 m। क्लियर हो रहा, आ रहा ना समझ में? ओके तो अब कितना हो जाएगा, 13 + 117 तो हो जाता है 130। सो 130 इक्वल्स टू 65 m। सो 130 डिवाइड बाय 65 इक्वल्स टू m। ओके तो m का वैल्यू क्या हो गया, 2। 65 × 2 = 130 होता है, तो इसके लिए इसमें ऑप्शन क्या है, 2 का ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन। ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस −3 and 4 इज p(x′). अब आपको जीरोस दिया हुआ है −3 और 4, तो उसका p(x) क्या होगा वो निकालना है। ठीक है तो देखो दो जीरोस दिए हुए हैं, तो हम पता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा सपोज कर लेते हैं, तो अल्फ़ा इज़ −3 और बीटा इज़ 4। ओके अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक प्लस करने का और एक मल्टीप्लाई करने का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा −3 + 4 कितना आया, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब −3 × 4 क्या हो गया, −12। अब इक्वेशन हमें बनाने आती है, फॉर्मूला क्या है, के x² − α + β x + α × β। ठीक है तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, के x² − α + β की जगह क्या लिखते हैं, 1 1x। ओके प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिख दें, −12। सो क्या हो जाएगा, के x² − x − 12। सो हमारे पास आया x² − x − 12। चलो बच्चों चेक करते हैं ऑप्शन, x² − x + 12 है और यहाँ पे x² + x + 12 है। ओ ओ मतलब आप देख सकते हो बच्चों फॉर्मूला तो है, बट साइन का देखो ना, साइन का जो है वो लोचा पड़ रहा है ना अपन में, तो दो माइनस माइनस आया, क्या कर सकते हैं, और गलत तो हम लोग हैं नहीं। तो देखो अब यहाँ पे ए और बी तो कैंसलिंग ख़त्म हो गया। ठीक है अब यहाँ पे आप 2 को बाहर निकालो तो फिर भी प्लस और माइनस ही है, और हमारे में तो दोनों माइनस हैं, मतलब कि डी ऑप्शन भी कैंसिल, तो सी होगा, बट सी तो कहीं मैच नहीं कर रहा। तो देखो अगर ध्यान से तुम देखो ना बच्चों, तो x² के अपॉन में क्या है, 2, x के अपॉन में क्या है, 2, और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ, x² / 2 − x / 2 − 12/2 क्या हो जाएगा, x² / 2 − x / 2 − 6। देखो तो ज़रा मैच हो रहा है, x² / 2 − x / 2 − 6 अब मैच हुआ, जी हाँ। तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर, सी। तो बेसिकली हमारा आंसर तो करेक्ट था, बट अब बच्चे यहीं कन्फ्यूज जाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा चाहिए होगा ना कि हमने ये सही तो लगाया साइन वाइन। ओके तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके ठीक है आपको गलत करवा सकते हैं। सो आई होप कि मैं समझाने में सफल रही आपको। ओके तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x − 2y = 6 एंड द वाई एक्सिस इज डैश। ठीक है तो कौन सा होना चाहिए, तो बेसिकली समझो कि ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है और ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x, क्या इक्वेशन है, 3x − 2y = 6, 3x − 2y = 6, और इसको एक y एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो बच्चों y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि x क्या हो जाएगा, 0, और y किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही नहीं पता, तो वो अपन को निकालना है। इतना क्लियर हो गया? तो अब अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दो बच्चों, तो देखो
अब पहली बात तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एक्स जो है वो ज़ीरो चाहिए, तो आपका ए और सी तो यहीं पे ही कट गया, ठीक है, तो इनको तो अभी देखना ही नहीं है। अब बाकी बचता है बी और डी में कौन सा ऑप्शन होगा, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या दिक्कत है इसके अंदर। सो बच्चों देखो, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखना है, ज़ीरो लिख देते हैं ना, तो 3x-2y=6, ठीक है, 3×0-2y=6, 0-2y=6, तो -2y=6, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6/-2, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3। ओके, तो दैट मीन्स कि जो मेरी इक्वेशन बनी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0, y, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0, -3, क्योंकि y के लिए मेरी क्या आई, -3। चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन, जी हाँ, 0, -3 कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है बच्चों, देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन यहाँ पर √6 + √6 + √6 + डॉट 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 डॉट, मतलब इन्फेनाइट चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान जरूर देना पड़ेगा। तो आपके पास ये दिया हुआ है कि रूट टू डॉट इन्फेनाइट कहीं रुक ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम लोग √6 + √6 + √6 जो ये है, इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, चलो अच्छी बात है। अब हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 6 जो मेन रूट है, फिर 6 √ में चलता जा रहा है, इसका स्क्वायर हुआ बच्चों, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अपने को पता है स्क्वायर और रूट कट जाता है ना, इतना पॉइंट क्लियर है ना। तो ये मैंने हटा दिया रूट, और ये मैंने स्क्वायर काट लिया। अब एक ही रूट हटेगा ना, जो ऊपर वाला होगा वही हटेगा, नीचे वाले में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये मैंने हटा दिए। तो बेसिकली मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 6 + और ये रूट तो भाई एज इट इज़ रहा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। इक्वल्स टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, इतनी बात समझ आई। ओके, अब देखो रूट जो एक्स में सिक्स है, जो रूट में लाइक √6 + √6 + √6 और इन्फाइनाइट चलता ही जा रहा है, तो इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, एक्स सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रूट है, मैं चाहूँ तो एक और अंदर लिख सकती हूँ ना, मैं चाहूँ तो एक और अंदर लिख सकती हूँ ना, इन्फाइनाइट है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, तो 6 + x = x², बात पकड़ में आई। इस पूरे टर्म को वहाँ पर ले लें हम लोग, तो x² - x - 6 = 0, ना ये सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो x² - 6 है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2, 3 = 6, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x - -2x - 6 = 0, तो यहाँ पे कॉमन क्या आया, इन दोनों में x कॉमन आया, तो x-3, यहाँ पे कॉमन 2 आया, x-3, तो एक ब्रैकेट आया x-3 और एक ब्रैकेट आया x+2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई -2। देखते हैं कौन सी वैल्यू दी हुई है इन दोनों में से। ओके, x की वैल्यू 3, ओके, और यहाँ पे -2। अब बेसिकली ये जो नंबर है वो कैसा है ना, अपना पॉजिटिव नंबर है रूट में, तो इसके लिए -2 तो आएगा नहीं ना, ओके, रूट में तो माइनस कभी आता नहीं है, इसके लिए कौन सा वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, हमारा ऑप्शन 3, मतलब कि बी ऑप्शन। बस समझ में आई अच्छे से, है ना, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन ए पी इफ डी इक्वल्स टू -4, डी -4 दिया हुआ है, एन 7 दिया हुआ है, ए एन आपको 4 दिया हुआ है, आपको ए निकालना है। अरे क्या आसान सा समय, ए एन की फॉर्मूला क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन 4 दिया हुआ है, ए हमें निकालना है, एन हमें दिया हुआ है 7 - 1 और डी दिया हुआ है -4। 4 = a + 7 - 1 दैट इज 6, 6 × -4, 4 = a - 24 हो गया, है ना। ओके, इसको यहाँ पे ले लो, तो a प्लस 4 + 24 = a, तो a क्या हो गया, 28। लेट्स सी, है ऑप्शन 28 28 28, हाँ ये रहा डी ऑप्शन। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन,
द लाइन ज्वाइनिंग सी 4, -5 एंड डी, जिसके अपन को वैल्यू नहीं दी हुई है, इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो एक लाइन है जो सी और डी को ज्वाइन कर रही है, बट वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, देखो बच्चे, पहले अब इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, बहुत आसान सी चीज़ें से समझना। देखो ये है हमारा वाई एक्सिस, सीधा होता है ना, है ना, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब वाई एक्सिस के पैरेलल जो है एक लाइन जा रही है, जिसमें एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। ठीक है, ये समझो डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट दिया हुआ है। बात समझ में आई? देखो क्या बोल रही है, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी, द लाइन, ओके, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है इतना। अब सी की वैल्यू आपको दी हुई है 4, -5, तो सी की वैल्यू दी हुई है 4, -5, तो आपको डी की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो बच्चा, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, इस चीज़ को समझना ध्यान से, ये आपके ऑप्शन से मैंने वहाँ पे निकाल के रख दिए। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट को समझो, अगर मैं समझना, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, मैं अगर इस वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन बनाती हूँ बेटा, मैं कोई भी लाइन बनाती हूँ बेटा, तो समझो कि ये 0 है, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए भी 2 रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट बताई होगी यहाँ पर, तो उसके लिए भी x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वाई समझो कि यहाँ पे 2, 0 है, तो यहाँ पे 2, 1, ठीक है। और एक लंबा बना दूँ तो फिर भी x क्या है, 2, और यहाँ पे समझो कि 3 हो गया। अगर मैं नीचे भी बनाती हूँ, ठीक है, इसको नीचे खींच लूँ, तो x क्या है, 2, इसको समझो -1 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये कि अगर मेरी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका x का वैल्यू जो है ना, वो कॉन्स्टेंट है, है ना। y अपन का चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से लाइन लंबी होती जा रही है, बट x की वैल्यू जो है वो सेम है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट पे अपन ने स्ट्रेट लाइन बनाई है। बात पकड़ में आई अच्छे से? ठीक है ना। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल कभी भी कोई लाइन होगी, तो उसमें x की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। बात समझ आई? y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन होगी, तो उसकी x की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे x क्या है, 4, मतलब कि यहाँ पे d पे भी क्या आना चाहिए, एक वैल्यू तो 4 आनी चाहिए, आगे नहीं पता। आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ओके, अभी ऑप्शन में क्या है, 6 कैंसिल आउट, ये ऑप्शन में 8 कैंसिल आउट, ये ऑप्शन में 2 कैंसिल आउट, ये ऑप्शन में 4 आया, 4, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 4, 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरीके से लॉजिकली करना है, सारे के सारे सम सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, कुछ आपके सम लॉजिकली आएंगे, तो ये आपका है। तो अगर आपको एक चीज़ नोट में लिखनी है बच्चों, तो लिख सकते हो कि फॉर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। और यहीं पे अगर उल्टा हो जाता, फॉर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये तो भी वाई एक्सिस के पैरेलल दी, जरूरत ही एग्जाम में आपको वाई बोले, आपको एक्स एक्सिस बोल दिया तो क्या होगा। तो समझ लेना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि ये हुआ, और एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब कि वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है, सो वाई कोऑर्डिनेट इज कॉन्स्टेंट। ओके ना बच्चों, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, आपको मीन 2.6 दिया हुआ है, तो आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, और ये आपको टेबल दी हुई है। चलो टेबल मैंने बना दी हुई है ऑलरेडी, तो हम शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो अब आपको पता है मीन है, तो मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिंपल सी बात। तो इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 4 4 10, 3y, 4 1 4 और ये 10। अब अगर मैं इसको प्लस कर लूँ तो क्या हो जाएगा, 10 + 4 14 28, तो कितना हो गया, 28 + 3y। और मैं इसको प्लस करूँ यहाँ पर, सिग्मा एफ आई है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 + 5 9 10, तो दैट इज़ 12 + y।
ओके तो आइए रख देते हैं हम लोग यहाँ पर। मीन आपको दिया हुआ है 2.6, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला 28 + 3y और ये हो गया 12 + y। ओके इसको यहाँ पे ले लो, तो 2.6 12 + y इक्वल्स टू 28 + 3y। ओके पहले काम कर लेते हैं बच्चों, 2.6 को हम लोग 26/10 लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके अभी इस 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, तो 26 12 + y इक्वल्स टू 10 28 + 280 + 10 3 30y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई ना, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 × 26 इसका वैल्यू हो जाएगा 312 + 26y इक्वल्स टू 280 + 30y। चलिए तो कॉन्स्टेंट्स एक तरफ इसको यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, तो 312 - 280 यहाँ पे ध्यान दो, 312 - 280 इक्वल्स टू 30y - 26y। ओके सो 312 - 280 कितना हो जाएगा 32 इक्वल्स टू कितना आ गया 4y। सो देयर फोर 32/4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 8। y की कितनी वैल्यू आ गई, 8 वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों आ गया, सो द वैल्यू ऑफ y इज 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इफ़ एन इवेंट अकर श्योरली इट्स प्रोबेबिलिटी इज डैश। अब अगर कोई भी इवेंट होता ही है श्योरली, मतलब होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ठीक है तो आंसर 1, दैट्स इट। 15 नंबर, द वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई। ठीक है जो इंसान पैदा होता है वो अवश्य मरता है, तो ये श्योर हुआ ना। ठीक है सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1, सीधी सी बात है। ठीक है तो क्या हो जाएगा 1। 16, पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू -0.3, तो पी ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी। ओके तो देखो जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है उनके बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 0.3, जीरो पॉइंट माइनस, हाँ -0.3 दिया हुआ है। ओके बच्चों तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें और कुछ तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, पर हमें एक रूल ज़रूर पता है कि जो इवेंट होता है और जो इवेंट नहीं होता है उसका प्लस हमेशा 1 आता है। एलिमिनेशन कर दें, कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 2p(e)=1, में से 0.3 गया तो कितना बच गया 0.7। ओके सो p(e)= 0.7/2 कितना हो जाएगा 0.35। सो p(e)= 0.35 आ गया आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन, इफ -1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। अभी पॉलीनोमियल का -1 एक जीरो है, तो उसमें k की वैल्यू क्या है। अब आप इक्वेशन देख लो, पॉलीनोमियल x³ + 11x² + 31x + k। ठीक है यहाँ पे आपको k दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पे आपको k दिया और ये k आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान सम 9 से करते आ रहे हैं इसको। तो आपको एक जीरो दिया हुआ है -1, तो x की जगह -1 अप्लाई कर दो, तो -1³ + 11 - 1² + 31 × -1 + k। ओके तो जीरो तो ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने, -1 + -1² + 1 + 1 × 11 = 11 -31 + k 0 इक्वल्स टू -1 + 11 कितना होगा +10, और 31 में से 10 गया तो कितना बचेगा -21, तो -21 + k। सो देयर फोर 21 को यहाँ पे ले लो, 21 = k, तो k की वैल्यू आ गई 21। क्लियर, यप दैट्स इट, ईजी था ना। क्या कह रहा है, इफ़ a 2+1 and 22 आर द 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द ए पी, तो ए की वैल्यू क्या होगी वो बता दीजिए। ओके तो एक तो 8 दिया हुआ है, एक 2a+1 दिया हुआ है और एक 22 दिया हुआ है। चलो और इन्होंने कहा है कि ए पी है ही, ए पी है इसका मतलब भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ओके बच्चों अब मैं इसको a1 मानती हूँ, इसको a2 है और ये a3 है। ठीक है तो हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और हम d कैसे निकालते हैं, a2 - a1,
ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो ए टू माइनस ए वन, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू, क्या बोलते हो? और डी तो सेम होता है, तो इसको इकट्ठे ले लें, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू। ए टू क्या है, टू ए प्लस वन माइनस एट। ए थ्री क्या है, ट्वेंटी टू माइनस टू ए प्लस वन। मैंने इसको ब्रैकेट में इसके लिए लिखा क्योंकि आगे माइनस की साइन है, तो साइन चेंज होगी ना। सो क्या हो जाएगा, टू ए प्लस वन माइनस एट इक्वल टू ट्वेंटी टू माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है बच्चों, चलो 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 सॉल्व कर लेते हैं। टू ए माइनस सेवन प्लस वन माइनस एट माइनस सेवन, ट्वेंटी टू माइनस वन तो ट्वेंटी वन हो जाएगा ना, ट्वेंटी वन माइनस टू ए। ए एक तरफ ले ले, कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, तो टू ए ये माइनस टू अंदर आ गया तो प्लस टू ए, यहाँ ट्वेंटी वन और माइनस सेवन वहाँ चला गया तो प्लस सेवन। ठीक है, तो टू ए प्लस टू ए फोर ए इक्वल्स टू ट्वेंटी एट। आप खुद बता दो एक वैल्यू क्या आ गई। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, ट्वेंटी एट डिवाइड बाई फोर दैट इज सेवन। ओके, अब आता है आपके पास आंसर इन वन सेंटेंस या वन वर्ड। ओके, नाइनटीन नंबर, आइए देखते हैं। इफ़ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डू द सर्कल इंटरसेक्ट। ओके, दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है मान लिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर, उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो कितने पॉइंट्स पे दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, मेन ध्यान दो कि इन दोनों के सर्कल्स का जो सेंटर है उसके द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब अगेन ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर समझो मैंने 12 पॉइंट बनाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। ठीक है, जो पहला सर्कल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल जो उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, कितना है 7 सेंटीमीटर का, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ से कुछ गुजरेगा, और दूसरा सर्कल जो है 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ इतना है तो ये वाला निकलेगा। ठीक है, ये वाला निकलेगा यहाँ से, तो अब आप देख लो ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल, ये 7 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स पे ए और बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली टू पॉइंट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, टू पॉइंट्स। अरे ये तो आपको रफ में करना करके दिखाना तो है नहीं। ओके, सो क्या कहा, दैट इन हाउ मैनी पॉइंट्स डू दे इंटरसेक्ट, तो दे इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स। चलिए नाउ, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स इज 64 and 27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स V1 और V2 का रेशियो आपको 64/27 दिया हुआ है, और आपको उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। ठीक है, चीज़ क्या दी हुई है, चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे स्फीयर, और आपको S1/S2 निकालना है। ठीक है, अब वॉल्यूम दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्फीयर का, 4/3 πr³/4/3 πr³। ये R1 ले लेते हैं, ये क्यूब, ये R2 ले लेते हैं, दो स्फीयर है ना, 64/27, 4/3 πr, 4/3 πr कैंसिल आउट, क्या हो गया r³³/r² = 64/27। ये r³ को जो क्यूब है वहाँ पे शिफ्ट कर लें तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो r₁/r₂ क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 और 27 का 3, तो क्या हो गया, 4/3। अब हमें इन्होंने कहा है कि स्फीयर मतलब सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का, तो सरफेस एरिया का रेशो निकालना है, तो क्या होता है, 4πr² / 4πr² इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं, अगेन 4π कैंसिल आउट। ओके, तो क्या हो गया, r₁² / r₂² और r₁ और r₂ क्या है, 4/3,
मतलब कि 4/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16/9। तो ये आपका आंसर। डन बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो स्क्वायर और सर्कल का एरिया सेम है तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो हमें निकालना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। न्यूमेरिकली ये वैल्यू सेम है तो आपको बताना है कि उनके पेरीमीटर्स का रेशियो क्या होगा। दैट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इनका रेशियो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 4 × साइड। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट इज सर्कमफ्रेंस हुआ देखा जाए तो, है ना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। ओके, 2 1 2 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
पाई आर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ ना। ओके चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, साइड स्क्वायर इक्वल्स टू फोर पाई आर स्क्वायर है। देखो तो अगर मैं साइड लिख दूँ तो साइड इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अंडर रूट हो गया, मैंने स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो रूट में चला गया। सो रूट पाई ये क्या हो गया, आर स्क्वायर का आर बच गया। ठीक है बच्चों, पॉइंट समझ आई। तो अब यहाँ पे साइड की जगह मैं क्या लिख दूँ, रूट पाई इंटू आर लिख देती हूँ मैं। सो टू इंटू रूट पाई इंटू आर अपॉन पाई आर, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है अब हम आर आर कैंसिल कर सकते हैं। सो आर और आर हमने कैंसिल कर लिया तो क्या मिल गया हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को मिल गया टू पाई अपॉन, क्या मिल गया टू पाई अपॉन पाई। अब देखो बच्चों जैसे हमें पता है कि टू इंटू टू है ना, टू स्क्वायर होता है, इतना क्लियर है अपने को। ओके सिमिलरली रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, टू होगा, बात समझ आई। तो ये जो पाए है इस पाए को मैं रूट पाए इंटू रूट पाए लिख सकती हूँ ना, जैसे कि टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकती हूँ ना, तो उस तरीके से पाए को मैं रूट पाए इंटू रूट पाए लिख सकती हूँ। तो एक रूट पाए कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया अपने पास, आंसर आया हमारे पास टू अपॉन रूट पाए। ये हो गया रेशियो किसका, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस का। ठीक है ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट, कोन और सिलेंडर का रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके सो आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कोन और सिलेंडर का रेडियस और हाइट सेम है। आइए तो एक तरफ कोन है और एक तरफ सिलेंडर है, रेडियस दोनों का सेम है और हाइट भी दोनों की सेम है। आपसे कहा है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालो। ओके सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर सेम है क्योंकि रेडियस सेम बोला गया है, हाइट भी सेम है, पाई पाई कट हो गया तो क्या बचा 1/3। ये 3 को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1, दैट मीन्स रेशियो क्या आया, रेशियो आया 3:1। ठीक है बच्चों क्या कह रहा है 23, बेस्ड ऑन द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि आपको क्या देखना है, आपको तो ये देखना है ना कि ग्राफ एक्स एक्सिस में कितनी बार काट रहा है। सो देखो ये एक्स एक्सिस है कितनी बार काट रहा है, 1, 2 और 3, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही देखना कितनी बार है 3, तो कितना हो गया, दैट मीन्स
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या नंबर ऑफ ज़ीरोस, ओके, या तो नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल्स टू 3, क्लियर? ओके, चलो. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, दैट इज 24. बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर. ओके, सो आपको डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर. आपसे कहा है निकालो एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है. सो पाई, ओके, आर स्क्वायर मतलब कि 7/2 होल स्क्वायर अपॉन 2. ओके, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 अपॉन 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2. चल रहा है आराम से ये काम. ओके, इस 2 को ऊपर ले सकते हैं. चलो पहले कटिंग कर लेते हैं. 1 7 2 2 2 11 कितना आया? 11 इंटू 7 अपॉन 2, और ये 2 को भी साथ में मल्टीप्लाई कर लो. ओके, तो कितना आ गया? 77/4. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा? 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. ठीक है बच्चों, क्लियर? सो बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमने सेक्शन ए पेपर 3 का सॉल्व कर लिया. आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन. मेन तो वही है, अंडरस्टूड, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. एग्ज़ाम में ये सम्स आएंगे ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है. दिस इज़ फॉर द प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. तो आई होप कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए. जितना बेसिकली और जितना डीपली मुझे समझाने लगा कि हर एक पॉइंट को मैं लूँ, मैंने वो लिया है. फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ पूछना है, या कुछ एडवाइस या सजेशन भी देनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए, बात कीजिए. मैं आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज के रिप्लाई ज़रूर करूँगी और करती भी हूँ. वेल, तो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ. एक कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, बस आप रेडी रहिए, वीडियो आते जा रहे हैं आपके पास. और आप अपने आपका मेन काम है बस पढ़ाई करना, आप स्टडी करते जाइए, बाकी सारा काम हम देख लेंगे. तो चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर.